हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450। आज हम लोग जानेंगे एथिक्स कमेटी के बारे में। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाई वी आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, बिकॉज देर वॉज इन न्यूज सिंस लास्ट 15 डेज द केस ऑफ महुआ मोइत्रा। ओके, मोइत्रा और मोइत्रा, ओके, इट डिपेंड्स हाउ यू प्रोनाउंस हर नेम। ऑलराइट, सो देर वॉज अ केस कि इन्होंने, देर इज एलिगेशन ऑफ कैश और मनी फॉर क्वेश्चन। ओके, सो हम केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा कॉम्पोजिशन जान लेते हैं इसका, कि आखिर है क्या ये एथिक्स कमेटी। ठीक है, क्यों न्यूज में ये हमने जान लिया, महुआ मोइत्रा केस। राइट, नाउ देखिए, राज्यसभा एंड लोकसभा ईच हैव देयर ओन एथिक्स कमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं एथिक्स कमेटी में, ये कंस्टिट्यूट की गई थी 1997 में। लोकसभा में इसमें होते हैं 15 मेंबर्स। राइट, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000। एक बार टाइमलाइन भी देख लेते हैं। सी, 1996 में देर वॉज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, लाइक स्पीकर थे वहां पर। ओके, हमारे इसके डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, और सभी हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर वगैरह वहां पर थे। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस से ये डिसाइड हुआ कि हमें शायद एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो हाउस में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। ठीक है, एंड नॉट जस्ट इन हाउस बट हाउस के बाहर भी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखे, कि कुछ ऐसा होता है एज ए पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेचर, अगर आप कुछ गलत करते हो तो एथिक्स कमेटी उसको चेक कर सकें। राइट, इट नीड टू एंश्योर दैट। 1997 द वाइस प्रेसिडेंट के आर नारायणन, एंड यू नो द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट, ही कंस्टिट्यूटेड द एथिक्स कमेटी इन राज्यसभा। राइट, सिमिलरली फिर 2000 में लोकसभा ने एडहॉक बेसिस पर, नॉट परमानेंट बट एडहॉक बेसिस पर, टेम्पररी एक एथिक्स कमेटी का गठन किया। ओके, और फिर अराउंड इसको बाद में परमानेंट बना दिया गया। आई थिंक दिस, ये 2015 मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, लेटर इट वॉज मेड ए परमानेंट कमेटी। अगर इस टॉपिक की बात करें तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 2 से, जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आता है। राइट, उसके अंदर पार्लियामेंट टॉपिक, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। ओके, एंड सी, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, दैट ये जो प्रिविलेज वाला टॉपिक है, ठीक है, प्रिविलेज दो तरह से हो सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल एमपीज को भी प्रिविलेज दिए जाते हैं हर तरह के। ठीक है, उसी तरीके से कलेक्टिवली एज अ हाउस भी काफी सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर इस बार मेंस में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ऑलराइट, सो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर आज करने जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगी चीजें। आज हम लोग अपना डिस्कशन लिमिट रखेंगे टू एथिक्स कमेटी एंड प्रिविलेज कमेटी। ऑलराइट, सो फॉर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, यू नीड टू रिमेंबर द कंपोजिशन इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। क्लियर? नाउ, लोकसभा में जो 15 मेंबर्स है उनको अपॉइंट कौन करता है? तो इट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। और कितने टेन्योर के लिए? तो 1 ईयर टेन्योर के लिए। ठीक है, राज्यसभा की अगर एथिक्स कमेटी की बात करें तो इट इज एंटायरली नॉमिनेटेड। ठीक है, ये हमने बेसिक बातें की। अभी हम फंक्शनिंग और इन सब चीजों पर वापस आएंगे। अरे ठीक है, उससे पहले हम ये जो प्रेजेंट केस है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, व्हाट हैपन इज कि ये जो एमपी थी मिस मोइत्रा, इन पर बीजेपी के निशिकांत दुबे, इन्होंने ये एलिगेशंस लगाए। इन्होंने कहा कि मुझे एक एडवोकेट के थ्रू पता चला है दैट मिस मोइत्रा इज टेकिंग मनी फ्रॉम ए बिजनेसमैन नेम हीरा नंदानी। ये इनसे पैसे लेती हैं, और हीरा नंदानी इनको कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज कीजिए अगेंस्ट दी अडानी ग्रुप। राइट, और उनका मानना था कि इससे मेरे बिजनेस को बेनिफिट होगा। राइट, एंड एलिगेशंस ये भी लगे हैं, और इसमें टर्न जब आया, जब ये एलिगेशंस इनके द्वारा तो लगाए गए, बट बाद में हीरा नंदानी खुद एक एविडेंस बन गया और उसने एग्री किया कि हाँ, मैं कुछ ऐसा करता था। एंड ही ऑल्सो सेड कि मिस मोइत्रा ने मुझे अपना पार्लियामेंट का लॉगिन एंड पासवर्ड भी दिया हुआ था कि आप क्वेश्चन डायरेक्टली पोस्ट कर लीजिए मिस मोइत्रा के बिहाफ में। ठीक है, पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकते थे, और इन्होंने ये कन्फेस भी किया है। ऑलराइट, और निशिकांत दुबे ये भी एमपी हैं, तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास विद एविडेंस है कि मिस मोइत्रा ऐसा कुछ कर रही है।
ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन रेज करने के लिए, और फिर हिरानंदानी ने कन्फेस किया कि इसके बदले में मैं इनके ट्रिप फाइनेंस किया कर सक किया करता था, मैंने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया करता था। अरे तो केस पूरा बना आपका इलीगल ग्राफ्टिंग का, ऑलराइट, क्या पैसे ले रहे हो क्वेश्चन रेज करने के लिए अगेंस्ट ए पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप ऑन एडवाइस और इन अ वे टू बेनिफिट दिस ग्रुप। अरे तो ये जो इलीगल ग्राफ्ट का केस बना, अब जनरली क्या होता है कि ऐसे जो सीरियस केस होते हैं ना, ये भेजे जाते हैं प्रिविलेज कमेटी को, बट ये पर्टिकुलर केस भेजा गया है एथिक्स कमेटी को। ठीक है, एथिक्स कमेटी को जनरली केसेस भेजे जाते हैं सिर्फ मिसकंडक्ट के। ठीक है, जब सीरियस केसेस होते हैं लाइक करप्शन के, जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है, तो प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाता था, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। अरे तो चलिए वापस आते हैं इस पे। तो ये कंप्लेन फाइल की गई बाय बीजेपी एमपी टू दी स्पीकर। अब स्पीकर के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर सकते थे या एथिक्स कमेटी को रेफर कर सकते थे एग्जामिन करने के लिए, और उन्होंने चूज किया कि मैं एथिक्स कमेटी को भेजूंगा। क्लियर, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर रूल या ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि किस केस को आपको एथिक्स को भेजना है, किसको प्रिविलेज करना है, कमेटी को भेजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के फंक्शन जो हैं, दोनों कमेटीज के, वो थोड़े ओवरलैप करते हैं। सीरियस, ज्यादा सीरियस केस है तो प्रिविलेज को भेज देंगे, अगर सिर्फ कुछ नॉर्मल मिसकंडक्ट का है तो एथिक्स कमेटी को भेज देंगे। और ऐसा जनरल नॉर्म नहीं है, बट ऐसा किया जाता था अब तक। अरे तो दिस एमपी मिस महुआ मोहित्रा, ही रिसीव सम मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन टू रेज ए क्वेश्चन इन लोकसभा। अरे सो किस चीज की गिल्टी है ये शी इज गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज पे हम अगली बार सेपरेट लेक्चर देखेंगे, ठीक है, हाउसेस के प्रिविलेज क्या होते हैं उस पर अलग से बात करेंगे। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एज वेल एज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो अब इस केस में इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहला कि देखिए मनी एक्सेप्टेंस हुई है यहां पर, इस पर तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि मिस्टर हीरानंदानी ने खुद ये बात कन्फेस की है। और बाकी कमिटी जब इंक्वायरी करेगी तो और पता चल जाएगा। बट ये थिंग इज कि इस तरह के केसेस जनरली प्रिविलेज कमिटी को भेजे जाते थे, या जैसा 2005 में केस हुआ था तब भी यही हुआ था मनी फॉर क्वेश्चन, तो ऐसे केस के लिए या तो फिर कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाती थी। बट इस केस में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो दिस इज फर्स्ट इशू, आपने एथिक्स कमेटी को डायरेक्ट भेज दिया है, आपने प्रिविलेज कमेटी को क्यों नहीं भेजा है, जबकि इलीगल ग्राफ्टिंग के केसेस आपके हमेशा प्रिविलेज कमेटी को ही भेजे जाते रहे। नेक्स्ट, कि ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रेजिंग द क्वेश्चन, ओके, वो भी ऑनलाइन। कभी लोकसभा ने कोई भी ऐसे रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं कि आपका जो क्वेश्चन का ऑनलाइन सबमिशन होगा वो किस तरीके से होता है, हो सकता है, कहां से हो सकता है। आपके क्या एमपी को खुद ही पोस्ट करने होंगे वो क्वेश्चन, या कोई उसके बिहाफ में भी कर सकता है। अधिकतर एमपी हमारे क्या हैं वो आप भी जानते हैं, ठीक है, हमने क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स से बात की थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके बिहाफ में ही क्वेश्चन रेज करता है हमेशा, तो उसको लेकर कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 105 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आती है बात पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या करता है कि जो इंडिविजुअल एमपीज हैं इनको फ्रीडम देता है, इनको एक प्रोटेक्शन देता है कि आप जो भी कहेंगे हाउस में या जो भी वोट देंगे किसी इशू पर, ठीक है, वो कहीं आपको इंक्वायर नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं की जा सकती। यू हैव फ्रीडम टू से एनीथिंग इन द हाउस, राइट, दिस इज वन थिंग। नाउ तो देखिए, अब ये जो एनीथिंग वाला जो राइट है, ठीक है, दिस वर्ड एनीथिंग, तो ये तो फिर उसको भी एक्सटेंड करता है ना कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। लाइक महुआ मोहित्रा के केस में अगर वो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस लगा रही हैं, तो कमेटी ये कैसे इंक्वायर कर सकती है कि मैडम आप जो एलिगेशंस लगा रही हैं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, उसका सोर्स क्या है। शी कैन से दैट ये जो सोर्स आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई हैव दिस प्रिविलेज, दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आई हैव, ऑलराइट, यू कैन नॉट क्वेश्चन मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 105। जस्ट अ सेकेंड गाइस, राइट, सो ये जो प्रिविलेज दिया गया है अंडर आर्टिकल 105, दिस आल्सो एक्सटेंड टू दिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस बेसिस पर एक एमपी ने क्वेश्चन रेज किया है अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, राइट। तो इसमें आप अगर इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे इस सोर्स के अंडर, तो उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ऑलराइट, दिस इज द थर्ड इशू हियर, राइट।
फोर्थ इशू कि ये जो टर्म है ना अनएथिकल कंडक्ट, ये ना तो कहीं वेल डिफाइंड है, ना ही ये कोई ऐसा पर्टिकुलर है कि आप ये जान सको, ये बता सको कि आपका ये बिहेवियर अनएथिकल था। इट इज एक्सक्लूसिवली और टोटली लेफ्ट टू दी यू कैन से दी एथिक्स कमिटी, जो उसके जो मेंबर्स होंगे ना, आपने उनकी मर्जी पे छोड़ दिया, उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है कि वो किस कंडक्ट को एथिकल मानते हैं, किसको अनएथिकल मानते हैं। राइट, सो दिस इज नॉट एनीवेयर डिफाइंड एज सच। क्लियर। अब इसी के साथ हम लोग एक और थोड़ा सा इशू देख लेते हैं, शायद प्रिलिम्स में आपको आपको देखने को मिले, डिफरेंस बिटवीन दी जुडिशियल प्रोब एंड पार्लियामेंट्री प्रोब, दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, अगर जुडिशियल प्रोब होगी ना तो वो की जाएगी बाय जुडिशियली ट्रेन्ड पर्सन, राइट, प्रॉपर जो जुडिशियरी में ट्रेन्ड होंगे, राइट, बट अगेन दे हैव नो पावर टू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं दे सकते कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होनी चाहिए, वो सिर्फ अपने जो भी एविडेंस एग्जामिन करने हैं वो भी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जामिन कर सकते हैं वो। ठीक है, उन्हें उसी पे रिलाई करना होगा, या जो भी स्टैट्यूट हैं हमारे, जो भी क्रिमिनल लॉज वगैरह के हैं, ठीक है, आईपीसी वगैरह में, उनके अंडर ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इस चीज को। और ये उनकी लिमिटेशंस हैं इन केसेस में, जबकि पार्लियामेंट्री प्रो की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये लोग जुडिशियल एक्सपर्ट है नहीं। कमिटी में जो 15 मेंबर बैठे हैं, दे आर जस्ट लोकसभा एमपीज, दे डोंट हैव दैट जुडिशियल एक्सपर्टीज। लेकिन पार्लियामेंट के पास है इन्वेस्टिगेटिव पावर, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अपने एमपीज के कंडक्ट को। ठीक है, जबकि यहाँ पर जुडिशियल प्रोब में नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, ये वो होगी अंडर द रूल ऑफ द हाउस, ना कि अंडर द टिपिकल स्टैट्यूज ऑफ आईपीसी एंड सो ऑन। ये हाउस के जो रूल्स होते हैं, लोकसभा के अपने रूल्स हैं, राज्यसभा के अपने रूल्स हैं, उनके अंडर में ही ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। राइट, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आपने जो फैक्ट दिया, जो एविडेंस दिया, वो रेलेवेंट है या नहीं, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी पूरी सिर्फ स्पीकर के पास है। राइट, सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन जुडिशियल प्रो एंड पार्लियामेंट्री प्रो। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपना कि हमारी जो एथिक्स कमेटी है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन प्रिविलेज कमेटी, एथिक्स कमेटी एंड प्रोसीजर क्या फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि आपको कई बार प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है वहां पर। तो देखिए, सबसे पहला इसका फंक्शन है टू ओवरसी द मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ द एमपीज। ओके, और ये जो आपके जो भी मेंबर्स के कंडक्ट को रेगुलेट करता है, ये कई बार वार्निंग दे देता है पहले एथिक्स कमेटी कि आपका ये जो बिहेवियर था ये काफी अनएथिकल था। ओके, एक छोटी सी पनिशमेंट भी दे सकता है या रेकमेंड कर सकता है कि इनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। राइट, इसकी जिम्मेदारी है टू ओवरसी द मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर, अच्छे से फॉलो करें ये लोग। राइट, सेकेंड इज कि ये प्रिपेयर करता है एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स जो आपको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट इज इट एग्जामिन द कंप्लेंट जो भी स्पीकर रेफर करेगा। ठीक है, जैसे इस केस में बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने एक कंप्लेन की स्पीकर को, फिर स्पीकर ने उसको एथिक्स कमेटी को भेज दिया कि आप एग्जामिन कीजिए इस कंप्लेन को। अब एथिक्स कमेटी अपने रिकमेंडेशन देगी, फिर स्पीकर हाउस से पूछेंगे क्या इस रिकमेंडेशन को कंसिडर करना है, तो फिर हाउस उसको डिसाइड करेगा, और फिर ये एमपी जो है मिस मोहित्रा, वो सस्पेंड भी हो सकती है, वो एक्सपेल भी हो सकती है। क्लियर, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ प्रोसीजर में। ठीक है, क्योंकि देखिए मेंस में आपको ये प्रोसीजर पूछ सकता है। ठीक है, कंप्लेंट होती किस तरीके से, पहला कंप्लेंट लाई जाएगी एक एमपी के अगेंस्ट, तो वो कंप्लेंट फाइल भी कोई दूसरा एमपी ही कर सकता है, इस केस में मिस्टर निशिकांत दुबे फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, उन्होंने ये कंप्लेंट की है। ऑलराइट, नाउ क्या एक नॉन लोकसभा एमपी कर सकता था कंप्लेंट? हाँ, कर सकता था, बिल्कुल। ठीक है, नॉन एमपी भी कर सकता था, बट ठीक है, मतलब कोई दूसरा आदमी कर सकता था, बट वो करेगा थ्रू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ऑलराइट, क्योंकि उस कंप्लेन को अल्टीमेटली सबमिट तो कोई एमपी ही कर पाएगा, बाकी वो कंप्लेन जब शुरू हुई तो उसको कोई दूसरे मेंबर ने की है, दैट इज पॉसिबल। ओके, एनी पर्सन कैन कंप्लेन अगेंस्ट एनी लोकसभा एमपी, बट दिस कंप्लेन कैन बी सबमिटेड ओनली। ओके, सबमिट की बात, एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड, दिस कंप्लेन कैन बी सबमिट इन दी हाउस ओनली बाय लोकसभा एमपी। बट क्योंकि ये पूरी कंप्लेन डिसाइड किसने की, एक नॉन एमपी ने, तो यहां पर एक एविडेंस के साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी फाइल करना होगा,
अगर एक नॉन एमपी ने कंप्लेन की है अगेंस्ट एन एमपी, तो आपको एक एफिडेविट फाइल करना बहुत जरूरी है कि मैं जो ये कंप्लेन कर रहा हूं ये फॉल्स नहीं है, फ्रिवोलस नहीं है, कोई अच्छी सी एक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज कि अगर किसी एमपी ने डायरेक्टली खुद जिम्मेदारी लेते हुए कंप्लेन की होती तो एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत माइनर पॉइंट्स हैं, ये अपने प्रिलिम्स के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। ओके, अगर कोई चीज न्यूज़पेपर में अच्छे से इलेबोरेट की गई है तो वो एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी आपसे कि आपने उस बात पे ध्यान दिया होगा, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, एक एमपी कंप्लेन करेगा अगर दूसरे एमपी के अगेंस्ट, तो एफिडेविट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी नॉन एमपी ने वो कंप्लेन इनिशिएट की है, हालांकि सबमिट तो एमपी के थ्रू ही हुई है, तो उसमें आपको एक एफिडेविट फाइल करना होगा कि ये जो कंप्लेन आई है ये फॉल्स नहीं है, फ्रिवोलस नहीं है। ओके, नाउ अब स्पीकर के पास आ गई कंप्लेन, अब उसका क्या रोल है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले स्पीकर कैन रेफर दिस मैटर टू द कमिटी, क्या ये एग्जामिन कीजिए क्या ये बिहेवियर अनएथिकल था इनका या नहीं, ठीक है, ये एग्जामिन करेगा। अरे एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू रिमेंबर इज कि ये जो कमिटी है ना, ये कोई भी केस सिर्फ इस बेसिस पर नहीं लेगी कि कोई मीडिया रिपोर्ट्स आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर नहीं ली जाएंगी। ओके, या ऐसा कोई भी कोर्ट जो सब्सिडाइज हो कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल पेगासस का मैटर, ठीक है, पेगासस का मैटर कोर्ट में चलता रहा इसलिए कमिटी ने कभी इसको लिया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर कोर्ट में है मैटर तो कमिटी उसको नहीं ले सकती, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट या स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर भी नहीं ले सकते। आपको कंप्लेन करना है, आप विद एविडेंस कीजिए दिस, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। तो अब क्या होगा कि कमिटी एक प्राइमा फेसी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ठीक है, कि क्या ऐसा हुआ है, ठीक है, बिफोर बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, और फिर उसकी इंक्वायरी में जो भी निकल के आएगा वो रेकमेंड करेगी, राइट। इट विल मेक अ रेकमेंडेशन एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर। नाउ स्पीकर विल आस्क द हाउस इफ वी शुड टेक दिस रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन और नॉट, ऑलराइट। और एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है, जो आप अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन का भी प्रोविजन है कि इस रिपोर्ट पर अगर ज्यादा कुछ नहीं भी करना है तो एटलीस्ट एक हाफ एन आवर का डिस्कशन तो करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोसीजर की, इसको याद रखिए, मेंस में आपको क्वेश्चन प्रोसीजर पे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर हमारी जो कमिटी इस पे क्या एक्शन ले सकती थी, तो वो दो चीज कर सकती है, या तो वो उसका सस्पेंशन रेकमेंड कर सकती है कि इसको सस्पेंड कर लीजिए, या फिर इवन उनको एक्सपेल करने के लिए भी रेकमेंड किया जा सकता है अगर चार्जेस बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो, ठीक है। नाउ डिफरेंस देखें जरा कमिटी, प्रिविलेज कमिटी, उसमें अगर प्रिलिम्स में दो स्टेटमेंट आ जाएगा तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। नाउ सी प्रिविलेज कमिटी, पहले मैंने आपको बता दिया कि इट इज एंटायरली नॉमिनेटेड कमिटी, ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ एथिक्स कमिटी जनरली डील करती है डिसिप्लिनरी मैटर से, ठीक है, यहां पर मनी का मैटर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस बात है कि प्रिविलेज कमिटी वॉज मोर सुटेबल टू एग्जामिन दीज एक्विजिशंस, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट इज कि ये जो हमारी एथिक्स कमिटी है, ठीक है, इट कैन ऑल्सो एग्जामिन द नॉन एमपी, ठीक है, अगर एक किसी नॉन एमपी ने भी, बाहर के आदमी ने भी हाउस की डिग्निटी और अथॉरिटी पर अटैक किया है तो, ऑलराइट। सो दिस एथिक्स कमिटी कैन टेक अप, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया इसको, आई एम सॉरी फॉर दिस। प्रिविलेज कमिटी, प्रिविलेज कमिटी नॉन एमपीज के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि आपने हाउस के जो प्रिविलेज है, जो उसकी डिग्निटी तो अथॉरिटी है, उसको हार्म किया है, ठीक है। सो प्रिविलेज कमिटी कैन टेक अप एक्शन अगेंस्ट नॉन एमपी ऑल्सो, वेल एथिक्स कमिटी सिर्फ एमपीज के अगेंस्ट ही एक्शन ले सकती है। प्रिविलेज कमिटी डील विथ मोर सीरियस चार्जेस, एंड एथिक्स कमिटी डील मोस्टली विथ डिसिप्लिनरी मैटर्स, अगर आपका बिहेवियर कुछ गलत रहा है तो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इस कमिटी का क्या होना चाहिए या बस ऐसे नाम के लिए, तो ऐसा नहीं है, जरूरी है, क्योंकि वो आपको एडवाइस करती है, वो आपको गाइड करती है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे हाउस के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट जा रहा है आपका बिहेवियर या नहीं, ठीक है। वो आपको एक एडवाइस देता है, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको अपना बिहेवियर इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए एज एन एमपी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि अगर कोई चार्जेस आपके अगेंस्ट हैं तो वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है एंड देन इट डिसाइड
कि आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, या हर उस एमपी के अगेंस्ट जो कुछ गलत कर रहा है। ओके, ऑल दी अरिंग एमपीज, ठीक है। ऐसी कई चीजें देखी हमने, कई बार लोगों ने हाउस में बैठ के पॉन भी देखी है, ऐसे एलिगेशन हैं और विद वीडियो प्रूफ है। और तो इस तरह की जो गलत चीजें होती है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ठीक है। या आप बाहर जाकर कहीं पर कोई हेट स्पीच देते हैं तो भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी मदद से एक एमपी को इजी होता है कि मैं अपना एथिकल बिहेवियर को डिसाइड कर सकूं, ठीक है, लिमिट में रह के बोलूं, कुछ गलत ना बोला जाए, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट डिवाइस किया जाता है बाय दी कमिटी, तो फिर वो एक आपके सामने रूल्स हैं कि आपको अपने रूल्स के दायरे में रह के काम करना है। सो आप कह सकते हो कि एक हमारी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में ये काम करता है, ठीक है। अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो जाने अनजाने में आपसे गलतियां होंगी, ठीक है, आप कुछ गलत करोगे, बट सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है कि आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, तो देयर इज ऑलवेज ए क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर ऑफ एमपीस। ऑलराइट, लेकिन इसके बावजूद काफी सारे इश्यूज हैं। फर्स्ट, सबसे पहला तो हमने देख ही लिया था कि जो वर्ड है अनएथिकल कंडक्ट, वो वर्ड ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, कि वही इशू जो भी हमने पीछे देखे थे, ठीक है, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। तो ये तो कमिटी के ऊपर हो जाता है कि किस बिहेवियर को वो एथिकल मानती है और किस को नॉन एथिकल, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है हमने। तो बेटर है कि इसको डिफाइन कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा कि देखिए एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स हमेशा सेम नहीं होंगे, दे आर एवोल्यूशनरी इन नेचर, राइट। तो क्योंकि चेंज होगा, चीजें होंगी चेंज, नॉर्म्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको उनके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि एक टाइम था जब लोग एलजीबीटी के लिए गलत बोल देते थे कि ये एक तरह की मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, बट आज आप इस तरह की चीजें नहीं बोल सकते। अब वो थोड़ा अनएथिकल माना जाता है अगर आप किसी को सिर्फ उसकी पर्सनल चॉइस या नेचुरल लाइक डिसलाइक के बेसिस पर अब्यूज करते हो, या उसको एक यू कैन से लो फील कराते हो, राइट। नेक्स्ट इज की सबसे इंपॉर्टेंट जो रेफरल मैकेनिज्म है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है, क्योंकि पहले जब 2005 में भी ऐसा केस आया था तब आपने वो मैटर भेजा था प्रिविलेज कमेटी को, ठीक है, वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको अपने आप को डिफेंड करने की, कि मुझसे ये गलती बाय मिस्टेक हुई है या ये गलती मुझसे नहीं हुई है, सारे एलिगेशन फेक हैं, ठीक है। जबकि आपको एथिक्स कमेटी में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, तो रेफरल मैकेनिज्म भी डिसाइड होना चाहिए कि आप किस तरह के केस को एथिक्स कमेटी को भेजोगे और किस तरह के केस को आप प्रिविलेज कमेटी को भेजोगे। ऑलराइट, तो आपसे मीन्स में इसके सिग्निफिकेंस पूछे जा सकते हैं एक फॉर्म में, और फिर ये जो पर्टिकुलर केस है मिस महुआ मोहित्रा का, उसके बारे में पूछा जा सकता है, नॉट इन स्पेसिफिक टर्म बट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर केस, टेल अस द इशूज और द शॉर्टकमिंग्स इन द वर्किंग ऑफ एथिक्स कमेटी, एंड प्रोसीजर आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक एथिक्स कमेटी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन आई विल टेक विद यू द प्रिविलेजेस, ओके, इंडिविजुअल प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अलोंग विद सम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ऑलराइट, क्योंकि अगर ये एथिक्स कमेटी पे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर डेफिनेटली आपको प्रिविलेज पे क्वेश्चन आएगा, बट इन दोनों में से किसी एक पे आएगा जरूर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। Thanks for joining. Have a great day and keep learning.